हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मेंटल मैथ एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है बहुत अच्छी होती है और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी भी चाहिए, क्योंकि हम एक्टिविटी के थ्रू ही बहुत ज़्यादा सीखते हैं और जल्दी से सीख जाते हैं और ये हमारे माइंड में बहुत समय तक रहता भी है। अगर हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड से बहुत जल्दी स्किप हो जाती हैं। इसलिए आज एक्टिविटी बेस्ड मेंटल मैथ एक्टिविटी करा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में दिमागी कसरत भी बोलते हैं। आज की एक्टिविटी है छोटे बच्चों के लिए है, बट ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसके नंबर्स बस इंक्रीज हो जाते हैं। 5 है तो वो 25, 50 या 70 ऐसे भी हो जाते हैं नंबर, लेकिन अभी हम छोटे स्मॉल बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 5 नंबर हमने ले लिया है। अब ये 5 नंबर को हमको लेके आना है, तो प्लस करके भी लेके आना और हमको माइनस करके भी लेके आना है। ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ये उनके लिए एक्टिविटी है। और बच्चे इसको बहुत जॉयफुल लर्निंग है, ये बहुत बच्चे इंजॉय करके सीखेंगे एक्टिविटी। बहुत ही इससे क्या होता है, उनका जो इमेजिनेशन थिंकिंग है उनका डेवलपमेंट होगा, लॉजिकल थिंकिंग है, और वो लोग ग्रुप में एक दूसरे से सीखेंगे और समझेंगे और बहुत जल्दी जल्दी वो सीख जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब उनको छोटे नंबर का आ जाएगा तो वो अपने आसानी से वो और बड़े बड़े नंबर लेके इजी वे में वो करेंगे। तो अब सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर बड़े बच्चे होंगे तो उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बार बार प्रैक्टिस करते 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 उनको आ जाएगा, इनको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो छोटे बच्चों के लिए ऑब्जेक्ट में हम ये मैच बॉक्स में मैच स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल है यहाँ पर। और जो क्रियॉन्स कलर होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं, और जो रिफिल्स होती हैं पेन में जो बेकार होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, पेन का भी यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ों का, राजमा सीड्स का यूज़ करते हैं, स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं। बट ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं लेना है जिससे बच्चों के नुकसान पहुंचे या उनके हैंड में या कहीं चोट लग जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें लेनी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैच बॉक्स लेनी है, उसमें से कुछ स्टिक निकाल लेंगे। जैसे हमको 5 है हमारा नंबर, अब हमको 5 एडिशन करके भी लेके आना और सब्ट्रैक्शन करके भी हमको 5 नंबर लेके ही आना है। तो सबसे पहले 1 नंबर लेंगे, ये 1 स्टिक यहाँ लिया। अब 1 में कितना ऐड करेंगे, कितना मोर स्टिक ऐड करेंगे कि हमको 5 मिल जाए। तो 1 में हमने क्या, ये 2 हो गया, 3, 4 और ये हो गया 5। अब हमको कितना चाहिए, 5 ही चाहिए। तो 1 में हमने कितना ऐड किया, 4 मैच स्टिक यूज़ की, तो 1+4 आंसर इज़ 1+4। तो यहाँ पर बच्चा यहाँ लिख देगा 1+4। अब बच्चा ये भी सोच सकता है कि 4+1 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको आंसर तो 5 ही लेके आया है। तो 1, 2, 3, 4 4+1 भी कर सकते हैं, 1+4 या 4+1, ये उसका हो गया। अब उसने को 2 स्टिक लिया उसने, अब 2 में कितना ऐड करेंगे, 3, 4 और ये हो गया 5। तो 2 में कितना ऐड किया स्टिक, 3 स्टिक ऐड की, तो 2+3 यहाँ पर लिख देंगे 2+3। अगर ये 5 लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टिक है। अब इसमें हमको 3+2 करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, 3+2। देखिए 4+1 करेंगे फिर भी आंसर 5 आया, 1+4 करेंगे तब भी सेम आंसर है, ऐसे ही 2+3 करेंगे सेम आंसर, और 3+2 करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब उसने लिया 1, 2, 3, 4, अब हमको क्या चाहिए, 5 नंबर चाहिए। तो 4 में कितना ऐड कर लेगा, 4+1, अब कितना आंसर हो गया, 5। अब देखिए अभी इसके पास 5 ही स्टिक है।
अब ये इसको फाइव, क्योंकि इसको फाइव ही चाहिए तो फाइव इसके पास अवेलेबल ही है, तो हम यहाँ पर एक और स्टिक लेंगे यहाँ पर। अब इसके पास हाउ मैनी स्टिक, सिक्स स्टिक, सिक्स स्टिक इज देयर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब सिक्स उसके पास है, अब क्योंकि उसको चाहिए फाइव ही, इसलिए उसमें से वह इसको वन माइनस कर देगा, वन को कट कर देगा। अब उसके पास फाइव उसको चाहिए, और उसमें से सिक्स में से उसने कितनी कट कर दी, फाइव, फाइव को उसने वन को निकाल दिया, सिक्स माइनस वन। ये देखिए सिक्स स्टिक थी उसके पास, उसमें से उसको वन नहीं चाहिए थी तो वन उसको उसने बाहर कर दिया, आउट कर दिया। अब यहाँ पर उसको फाइव चाहिए थी और यहाँ पर फाइव उसको मिल गई। ऐसे ही अब सेवन स्टिक लेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स यहाँ पर सिक्स उसके पास है। अब वन मोर स्टिक एंड सेवन, अब सेवन में से उसको कितनी चाहिए, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ही चाहिए। अब उसमें से उसने कितनी कट की, टू स्टिक उसने कट की, तो सेवन माइनस वन आंसर इज, सेवन माइनस वन। तो इस तरह हो गया, सेवन माइनस टू होगा, टू स्टिक उसने बाहर निकाली ना, तो सेवन माइनस टू होगा, तो फाइव आंसर हो गया। ऐसे ही बच्चे एट का करेंगे, एट स्टिक लेंगे, फिर नाइन स्टिक लेंगे और फिर टेन स्टिक लेंगे। ऐसे ही ये स्टिक बढ़ती जाएगी, फिर बच्चा बार बार प्रैक्टिस करके फाइव नंबर सर्कल में लेगा, या सिक्स लेगा, टेन लेगा, इलेवन लेगा, ऐसे ही नंबर उसके बढ़ते जाएंगे। और जब बच्चा एक बार उसने अभी सिक्वेंसिंग, ये सिक्वेंसिंग तरीके सीखा, वन लिया, फिर टू स्टिक लिया, फिर थ्री स्टिक लिया, ऐसे किया, लेकिन जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा तो बहुत उसको इन्जॉयगा और उसको ये सब याद हो जाएगा कि कितना हम नंबर लेंगे तो कितना ऐड करेंगे, कितना कितना नहीं लेंगे, कितना कट करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, ये सब उसको, और कितना हमको आंसर मिल जाएगा, सब उसके बिल्कुल टंग पे होगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा। तो ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को ऐसे ही मोरल और ओरली बच्चों से पूछे कि वन प्लस थ्री क्या होता है, थ्री प्लस वन क्या होता है, कि हम कितना मोर कितना और ऐड कर देंगे कि हमारा इतना आंसर हो जाए। तो ये बच्चों पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटी बच्चों से घर पे ही करवाएं। तो ऐसे ही आपको ये कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे इस एक्टिविटी को करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्टिविटी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट कल दूसरी एक्टिविटी लेके आएंगे, मैथ के ऊपर होएगी। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को और किस सब्जेक्ट की एक्टिविटी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एक्टिविटी।